लेकिन यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से भ्रष्टाचार, 1,20,000 रुपए निकल चुके हैं, इनको एक भी रुपए नहीं मिला है और इस आवास में छत भी नहीं है, तो ये यहाँ पे कैसे रहेंगी, रहने के लिए मजबूर हैं। तो मैं शासन प्रशासन से एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने कैबिन से निकलकर एक बार इनसे आके मिले, उनकी समस्या को जाने। तो ये आप इसमें रहती हैं, आवास आपका, आवास आपके नाम पे बन गया, पैसा आपको मिला आवास बनवाने के? नहीं सर, प्रधान ले ले है ना, हम उनको मजदूर कई के दीवार तैयार कर दे, बोलले पे कहल हमारो गरियाए पैसा नहीं देते हम, का बोलले कहल हमारो गरियाए पैसा सब ले लेना, दीवार तो हमन तैयार कर ले है। अच्छा, तो इसमें कैसे रहते होंगे आप, इसमें नहीं रहती, कहाँ रहती हैं आप? अरे तो जब लगल नहीं तो कैसे के रही, बोलले पे जाली पैसा मांगे ले, कहल तू के मारो गरियाए। कितना पैसा निकाले प्रधान जी? 1,20,000 निकल गए। हाँ, वो सब पैसा ले लिया। तो ये मतलब आप जब भी जाती तो मारने का कहते हैं? हाँ, डांट के जब से तार देना तब से ना जा रही। अच्छा, जब से उन्होंने ज्यादा तेज डांट दिया तब से नहीं जाती हैं? नहीं, पैसा सब ले ले मिला, जब जा ही नहीं था इसे अंगूठा लगवा के पैसा जुड़ते ले ला। अंगूठा लगा लिए, पैसा तुरंत ले लेते थे? हाँ, पैसा आपसे छीनते थे या आप दे देती थी? नहीं, एकदम वही रहते हैं, हथवा में पकड़ उन्हें पास जुड़ते ले ला। अच्छा, बैंक में? हाँ, जब पैसा निकलता है। किस बैंक में आपका खाता है? इलाहाबाद वाला है। इलाहाबाद है, अच्छा। देख रहे परफेक्ट न्यूज, एक बार मैं फिर से अपना स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ खजनी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम रावत दाड़ी के दाड़ी गांव में, और यहाँ के ग्रामीणों का एक गंभीर आरोप है यहाँ के प्रधान के ऊपर कि यहाँ के प्रधान ने यहाँ पे विकास के नाम पर बहुत गड़बड़ घोटाला किया है, और यहाँ पर ग्राम सभा की जो जमीन होती है, जो पोखरी होती है जिसमें गाँव ग्राम सभा का जो नाली का जो पानी होता है, वहाँ निकासी जो सारा पानी उसमें जाता था, उसको अवैध तरीके से इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया गाँव के प्रधान ने, और यहाँ की समस्या आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को दिखाते हैं। आइए बात करते हैं ग्रामीणों से और जानते हैं कि यहाँ पे क्या, तो क्या नाम है आपका? चंद्रदेव यादव। चंद्रदेव यादव जी, क्या समस्या आपकी? पोखरी है या सड़क है या ये शौचालय है, इन सब में जबरदस्त घोटाला किया गया, और प्रधान के माध्यम से किस आधार पर कह सकते हैं आप घोटाला हुआ है, आपके पास कागज? सर बिल्कुल है कि वो 6,000 दिया था, उसके बाद सर उस कंप्लीट हो गया, उसके बाद कहें कि पहले बनवा, बन गया, बनने के बाद फिर कहें 6,000 मांगने गए, सर उन्होंने दिया नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि आपका शौचालय बनकर कंप्लीट है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको पूरा फंड नहीं मिला, नहीं दिया, सरकार देती है? बिल्कुल, 6,000 मिला, 6,000 नहीं मिला जी सर, कई बार हम मांगे लेकिन दिए नहीं उन्होंने। अच्छा, क्या बोले उन्होंने? नहीं सर, डांट के भगा देते, कहते तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, कोई बात हम करते हैं तो कहते जबरदस्ती कहते हैं कान में तुम्हारे ऊपर केस करवा देंगे। तो कोई रंजिश है क्या, दुश्मनी है क्या? नहीं सर, उनसे हमारे पर्सनली कोई रंजिश नहीं था, लेकिन क्या नाम है निकालना है इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो उनके खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं अलगाजा तो क्या नाम है। तो ये आवाज कब से उठा रहे हैं आप, अभी इलेक्शन के टाइम उठा रहे हैं? नहीं सर, बहुत पहले से, 2014 सर। आइए चाचा जी से जान, चाचा क्या आपका भी घर इसी गांव पड़ता है? हाँ, इसी गांव में, मेरा नाम हरिद्वार यादव है। और प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का नाम मुन्नीलाल है जी। जी, तो क्या समस्या? प्रधानी यही है कि ग्राम सभा की पोखरी की जमीन हड़प ली जा रही है, और ये जो शौचालय बने हुए हैं इनका फुल पेमेंट नहीं हुआ। तो आप अभी बनवा ये जो इस चीज की शिकायत कहाँ कहाँ पर आपकी अभी तक आपने किया? ये मैं शिकायत SDM महोदय के वहाँ कर चुका हूँ, तहसीलदार के महोदय के वहाँ कर चुका हूँ, और एक वहाँ हाई कोर्ट में कर दिया हूँ, फिर ये DM महोदय के वहाँ कर चुका हूँ। करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला आपने? कर दिया? कोई निष्कर्ष नहीं, उसके बाद 122B का मैं 2014-13 से मुकदमा किया हूँ, जो SDM साहब के वहाँ विचाराधीन है, और उसका आज तक कोई ये नहीं निकला, और वहाँ से तो डायरेक्शन सारा कुछ पोखरी पटने के बाद, ये पोखरी जो हाँ, पोखरी का जमीन था उनका था या ग्राम सभा का? ग्राम सभा की पोखरी है, हाँ। ग्राम सभा की पोखरी जब तक ये कायम थी, और जब ये पटने लगी, जब इसमें लोग बाउंड्री करवाने लगे, जब मकान बनवाने लगे, तब से मैं दौड़ना शुरू किया, और सबके वहाँ मैं सब। क्या परेशानी आपकी, परेशानी क्या आ रही है, क्या हमारा सर ये घर गिर रहा है? कैमरा मैन बोलना चाहता हूँ, ये घर दिखा, और जो गंदा पानी ये जमा हो रहा है इनके घर के पास, और चूंकि ये गांव की भी समस्या है, पानी निकल नहीं पा रहा है, इसकी वजह से घरों में पानी भर रहा है और घर जो है ढह जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। ये सर यहाँ सोख्ता बना हुआ था जिसको ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए और पानी यहाँ से रोक दिए, यहाँ से दीवार चलवा। अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब ये इसको क्या, आप ही कहाँ पानी गिरता है ना, पानी आप ही का गिरता है, गाँव का पानी हमारा गिरता है उधर से, पूरे सारे गाँव का पानी। अभी की बात करो, बरसात की समय छोड़ दीजिए, मैं अभी की बात करो, अभी तो यहाँ
मेरा आप ही के घर का है, यहाँ 4-5 लोग इस मकान में रहते हैं, सबका पानी इसी में आता है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सर, इसको हमारा ये पानी का निदान कर दिया जाए, इस पोखरी को यहाँ से खनवा दिया जाए, पोखरी जो है वो पूरा अवैध कब्जा जो है सब हटवा दिया जाए। अच्छा, हाँ। तो आप ये कैसे कह सकते कि अभी मतलब ग्राम सभा की इसके बाद खतौनी तो होगा? जी हाँ, रखा पानी है, बहुत परेशानी है बेटा। ये गंदा पानी इसी से निकालते हो? अच्छा अच्छा, तो ये कैसे फेंकते हैं? कैसे फेंकते हैं? ये अंजलि जी, ये जो पानी है ये नाली का पानी है? हाँ? नाली का पानी है ना, गंदा हाँ? पानी है हाँ? तो ये ऐसे हाथ से आप इसे बाल्टी से फेंक रहे हैं, नाली की व्यवस्था नहीं आपके गांव में? नहीं, हमारे गांव में नाली का व्यवस्था नहीं है। लो, तो ये जो पानी हम देख रहे हैं ये पानी रोड पे क्यों पड़ा है? सर, जब कोई नाली है हये नहीं है, नाली का निर्माण ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं बनाई जा रही है। नाली के खिलाफ आवाज उठाई? आवाज उठा में आवाज, जो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो बच्चे नाली का पानी फेंक रहे, ये बहुत गंभीर समस्या है। अपनी मजबूरी के अंदर अपनी जिंदगी जिया जा रहा है। अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान से आवाज उठाया जाता है कि भाई गाँव, तो एक दूसरे को लड़ाने एक दूसरे को मरगलाने का काम करते हैं वो। अच्छा अच्छा, इनको उनके उनके मतलब शांतिपूर्ण ढंग ना? जी नहीं, 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 नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में हाँ किसी न किसी को लेकर के एक दूसरे को फंसा कर लड़वा करके परेशान कर रखे हैं। अच्छा, तो अभी तो जब बरसात का टाइम नहीं है और इतनी दुर्गत होती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जान लीजिए। मेरे ख्याल से हम तो मैं तो कहता हूँ कि ब्लॉक क्या पूरा जिला का पूरे देश के अंदर इस प्रकार की दिक्कत नहीं होती। एक और चीज मुझे कहनी थी कि आप लोग जिताते भी तो आप ही लोग ना, उनको आखिर वोट तो आप ही लोग। अरे भाई, तो ऐसा क्यों किया आप लोग ने फिर जब प्रधान? जब पहले तो अच्छे बन के आएंगे। जी जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे अपनी जब से कर देंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब गांव की भोली भाली जनता, चलिए भाई ठीक है, ग्राम प्रधान जी हैं, जीत गए, जीतने के बाद अपना रवैया वही चलता है। अच्छा, तो ये आप इसमें रहती हैं, आवास आपका, आवास आपके नाम पे बन गया, पैसा आपको मिला आवाज बनवाने के लिए? नहीं सर, प्रधान ले ले है ना, हम उनको मजदूर कई के दीवार तैयार कर दे, बोला ले पे कहल हमारो गरियाए पैसा नहीं देते हम, कहा बोला ले कहल हमारो गरियाए पैसा सब ले लेना, दीवार तो हम तैयार कर ले है। अच्छा, तो इसमें कैसे रहते होंगे आप? इसमें नहीं रहती, कहाँ रहती हैं आप? अरे तो जो अभी लगल नहीं तो कैसे के रही, बोला ले जाली पैसा मांगे ले, कहना तुझे मारो गरियाए। कितना पैसा निकाले प्रधान जी? 1,20,000 निकल गया, निकल गया। हाँ, वह सब पैसा ले लिया। तो ये मतलब आप जब भी जाती तो मारने का कहते हैं? हाँ, डांट के जब से तार देना तब से नहीं जा रही। अच्छा, जब से उन्होंने ज्यादा तेज डांट दिया तब से नहीं जाती है? नहीं, पैसा सब ले ले मिला, जब जा ही नहीं था इसे अंगूठा लगवा के पैसा जुड़ते ले ला। अंगूठा लगा लिए, पैसा तुरंत ले लेते थे? हाँ, पैसा आप छीनते थे या आप दे देती थी? नहीं, एकदम वही रहते हैं, हाथों में पकड़ उन्हें जूते ले ले। अच्छा, बैंक में? हाँ, जहाँ पैसा निकलता है। बैंक में आपका खाता है? इलाहाबाद वाला है। इलाहाबाद है? हाँ। अच्छा, ये इनका आवास है बना हुआ? हाँ जी। तो ये बिचारी इसमें छत नहीं लगा, आप लोग ने क्या ये सही कह रही जो भी कह रही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये बहुत डर रही है प्रधान, प्रधान जी का क्या हाल चल, क्या इनको मारते गाली देते हैं क्या? प्रधान जी इतने मतलब वो हैं कि इतना उल्टा सीधा बोलते हैं जी कि उनके दरवाजे पर कोई जाना नहीं चाहता है। अच्छा, हाँ। तो कहीं ना कहीं जवाबदार व्यक्ति हैं इनका बना कब? जब हम इस पर आवाज उठाने लगे जाँच के लिए प्रधान के खिलाफ, उसके बाद जा करके पता नहीं इन लोगों से मजदूरी कराए, किससे कराए, हमसे तो नहीं, इन्होंने खुद इन्हीं लोगों से करवाए। अच्छा। और उस टाइम में जा करके इन्होंने क्या किया, तब जा करके बाद में जब हम दिल्ली से वापस आए तो देखे कि मतलब हाँ इतना दीवाल चला हुआ है, और ये देखिए सामने मतलब लिखा पड़ा हुआ है कि सारा पैसा इनका निकल गया, पास हो गया। हाँ जी। तो ये रहने का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर बन भी गया तो इसमें छत लगा नहीं, पैसा निकल गया, पैसा इनको भी नहीं मिला जी। प्रधान जी को मिल गया है जी। इसमें लिखा प्रधानमंत्री आवास योजना 2017-18 रूपा देवी बिंदु प्रसाद राशि 1,20,000 जी, ठीक है, और वो ग्राम पंचायत ये रावत दाड़ी, ठीक है, ग्राम प्रधान मुन्ना लाल जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको एक्चुअली रहेंगे कहाँ पे? आप लोग को आवाज उठाना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए, चूंकि ये डरी हुई है कि नहीं? अभी तो हम अचानक में आ गए खेत से, इतना पेपर मैं आपको दिखाता कि मैं प्रशासन शासन को सबको मैं भेज चुका हूँ लेटर, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। एक बार सेक्रेटरी के पास भी गया तो सेक्रेटरी क्या बोला कि ऐसे तो सारे गांव में हो रहा, क्या सारे गांव का तुम ठीका ले रखे हो? अच्छा, क्या ये सही बोल रहे हैं जो भी है? हाँ, अच्छा, ये गांव के प्रधान बोल रहे हैं कि फर्जी मुकदमा लिखवा देते हैं जो भी आवाज उठाता, तो हाँ, क्या करवा देते हैं आप? सब डरता है आप? नहीं, हमारे ऊपर नहीं हुआ। किसके ऊपर हुआ है? हमारे ऊपर हुआ। आपके ऊपर हुआ? क्या आखिर किस बात पे मुकदमा दर्ज? सर कुछ नहीं, उनके आज वो आज जैसे बोल रहे हैं कल को फिर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज होने, फर्जी मुकदमा दर्ज होने की वजह से ही ये सब लोग डरे हुए हैं, गांव पूरा डरा हुआ है।
पूरा गांव डरा हुआ है कि उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता। लेकिन यहां पे देखिए आप किस तरीके से भ्रष्टाचार, 1,20,000 रुपए निकल चुके हैं, इनको एक भी रुपए नहीं मिला है और इस आवास में छत भी नहीं है, तो ये यहां पे कैसे रहेंगी, रहने के लिए मजबूर हैं। तो मैं शासन प्रशासन से एक बार गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने कैबिन से निकलकर एक बार इनसे आके मिले, उनकी समस्या को जाने। शौचालय के पैसा मिलेगा जाके चेक का अपन भजा के लेके बनवा, तब नहीं मिला हमके फिर कहने का चाहे मन कान का है चेक आपके हाथ में दिए थे। हां दे दिहले रहना कहां गया चेक फिर कहना मन है नो कान का लगवा रहलो मन एठू थू बोला टिकट कहना कि टिकट लगवा ले या हम का टिकट हम कहां ले जाए लगा तो कहना ठीक हम लगवा के दे देबे आज ले लगवा के देते बाटे। अच्छा चेक कट गए चेक कट गया अमन कट गए जब ले लिया ना तब अपन का अब पता नहीं कौन टिकट हो मन बतावत रहना। अच्छा तो अपन ले गए ना तब से लिया के दे देना है कहीं ना जी। मैं मेरे चाचा ग्राम प्रधान हैं जी जी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी उनकी श्रीमती जी जी जी, और उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था जी जी, और उसके बाद वहाँ से होम क्वारंटीन हुई जी जी। उस समय बीच में शासन का मंशा थी कि जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं जी जी, उन्हें काम दिए गांव में जी जी। तो उस समय ग्रामीणों में काफ़ी हलचल थी जी जी, काफ़ी लोग आ गए थे, तो उस समय जो मजदूर हमारे वहाँ आए थे उन्हें मनरेगा के तहत कार्य दिया गया। एक आपके गांव की एक महिला है जिसका नाम रूपा देवी जी, उन्होंने गंभीर आरोप ये लगाया है कि मेरे आवास का पैसा जो है प्रधान जी के द्वारा निकाल लिया गया, बैंक में जाके मेरे हाथ से, इलाहाबाद बैंक में गई थी पैसा निकाल जी, जी, जी और हाथ से ले लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो हमारे विपक्षी जो हमारे प्रतिपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं वो ऐसा करवा रहे हैं। आप लोग मौका पे देखे होंगे जी जी कि प्लास्टर भी हो चुका है, उसमें मिट्टी उनके द्वारा डालनी थी जी जी, और उसका जो वो क्या मजदूरी की भुगतान होती है उसका अभी तक मजदूरी की भुगतान नहीं हुई है, और हम कहें मिट्टी डालो उसके तुम्हारे मजदूरी की भुगतान हो जाएगी जी जी, उसके बाद तुम्हारा कार्य ओके हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि 1,20,000 प्रधान जी के द्वारा नहीं, नहीं हम क्यों लेंगे, हम क्यों लेंगे, हमारे जाके देखिए लेबर मिस्त्री वहाँ काम, बिना काम के तो बना नहीं होगा जी, क्यों सर जी जी बिल्कुल, बिना पैसा किसी को दे दी काम हुआ है जी जी बिल्कुल काम हुआ है, हुआ है काम, और छत लगना छत लगना इसलिए बाकी है कि जो शटरिंग करते हैं उनके पास बांस की। एक सवाल था उसमें कि पूरा आवास कंप्लीट होने के बाद और छत लगने के बाद फिर वहां पे जो लाभार्थी रहता है उसको खड़ा करके फोटो खींच के दिखा जी, उसका अभी फोटो, लेकिन बिना छत लगे ऑलरेडी उस पे लिखा के उसका फोटो कैसे लिख, इसलिए गया कि उसको ये लग रहा था कि हमारी मजदूरी निर्गत हो गई है, उसका मजदूरी निकाली नहीं गई है। लेकिन ये तो नियम के खिलाफ है। नहीं नहीं, उसमें ये था कि आप छत लगवा लीजिए और आपका जो छत और मिट्टी उसमें डालेंगी मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत नहीं मैं बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी है, अगर आप पूरी तरीके से घर बनाने की रेडी करते हैं फिर सेक्रेटरी साहब जाते हैं मौके पे तो नाम लिखवा के उसके साथ फोटो खींच के भेजते हैं पोर्टल उसमें सर ऐसा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें नाम की मनरेगा के तहत मिट्टी का भुगतान होता है उसमें, जो मिट्टी का भुगतान अलग हो गया। नहीं नहीं सर उसी में होता है, जो हमारा देख लीजिए 1,20,000 रुपए केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट देती है जी जी। और उसके बाद उसमें जो मजदूरी उनकी होती है मनरेगा के तहत मिलती है जी जी। तो मनरेगा के तहत उनकी मजदूरी नहीं निकाली गई है, हम कहें आप मिट्टी भर लीजिए और उसके बाद आपका छत आप द्वारा लग जाएगा, फोटो हो जाएगा ताकि आप सेपरेट हो जाएं, आप आके अपने नए घर में आवास बनने के बाद ही तो होता है ना, वो लिखते हैं सब येलो नहीं कलर सर सारा उसमें कलर हुआ तो है लेकिन कंप्लीट नहीं तो हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों लिखा गया तो कंप्लीट इसी भी शौचालय को अगर मैं शौचालय की बात करूं किसी का शौचालय अगर कंप्लीट हो। आपके गांव में एक बहुत अच्छी बात मैंने एक चीज देखा है कि जो आपने जो किस्त दिया है लोगों को वो जरूरत के हिसाब से दिया, अगर आप शौचालय का काम कराएंगे तो हम आपको देंगे 6,000 चेक द्वारा। ये मैं बहुत मैं आपकी तारीफ भी करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम। लेकिन थोड़ा सा मुझे चुभा ये कि भाई जो गरीब तबके की औरत है वो रो रही थी, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपको जो है कि धमकाया जाता है। नहीं नहीं सर ऐसा कोई मेरे घर वो आती नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे लिखा गया, शौचालय में आपने नियम का पालन किया आवास में नियम का पालन क्यों नहीं किया? सर आवास में जितने भी आवास बने हैं ये गरीब तबके थे, उनके जो पति हैं वो मजदूरी कहीं और करने चले जाते हैं, कहते हैं मनरेगा में हमें जो मजदूरी है 201 ही मिलेगी, हम नहीं काम करेंगे, मैं शहर जाके काम करूंगा, मेरा छत लगे या न लगे जी जी। और मैं यहाँ नहीं मजदूरी करूंगा। अच्छा गांव की नाली जो है, आपके गांव में मैंने नाली नहीं देखा है जी। बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे बाल्टी से गंदा पानी निकाल के फेंकते हैं। नहीं नहीं सर उसमें मैं उनके शोकपीट के लिए मनरेगा के तहत फाइल भी दिया है जी जी, लगभग हम 12-13 फाइल दिए थे जी जी। स्वीकृत हो गए, मेरे वहाँ जो अभी राज बीत 14वां बीत की किस्त आती है जी जी। ग्राम पंचायत में आबादी कम होने के वजह से जी जी।
उसमें क्या सर होता है कि हमारे वहाँ के राजवित की किस्त जो आती है 1,32,000 के करीब आती है, और सॉरी जो केंद्र गवर्नमेंट का पैसा आता है 1,32,000 रुपये आता था जी, और 3200 रुपये राज्य सरकार का आता था जी, जी। उसी में मुझे नाली खड़ंजा और सारे काम गांव में करने रहते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नाली जो मुझे है मुझे नहीं करने जो मेरे चाचा जी करते ये हैं। कार योजना जो है, कार योजना तो बना के आप ब्लॉक पे दे सकते हैं अधिकारी को, विकास जी दिए हैं सर कि नाली हमारे गांव में नहीं है उसके लिए फंड जारी करें। प्रधान जी दिए हैं और प्रधान जी प्रयासरत भी हैं कि काम मेरे गाँव में ज़्यादा हो। अभी हाल में ही एक जिला पंचायत से अथक प्रयास से सड़क बन रही थी और हमारे घर वालों को मुकदमे में फंसाया गया जी जी, और उसमें 12 लोगों को पाल द्वारा भी देख लीजिए कैमरामैन थोड़ा खड़ंजे का वो था, 25 वर्षों से खड़ंजा लगा हुआ है जिसपे हमारे वहाँ के राजनीतिक तबके के लोग हैं और क्या किसी पद पे भी हैं राजनीति में। एक और बात आपसे करनी थी कि हमारे पास एक वीडियो आया है जिसमें ट्रैक्टर से लोग बता रहे हैं कि काम होता है और मजदूरों का पैसा लगा के नहीं नहीं सर, वहाँ मजदूर भी काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर वाला सर खेत जोत रहा है, खेत का वीडियो आप देख सकते हैं उसमें जी जी। वीडियो खेत में वो चल रहा है। कहते हैं जो गरीब तबके के लोग जिनको मिलना चाहिए, जो पात्र थे मनरेगा में मजदूरी के लिए, उनको ना मिलके प्रधान जी नहीं नहीं सर देख लीजिए जो जी के घर के लोगों को रोजगार, जो मजदूर सर काम कर रहे हैं उनका हमारे पास फोटो है। नहीं लेकिन नाम दर्ज है मनरेगा के तहत। नहीं नहीं सर दर्ज है, हमारे वहाँ किसी का दर्ज नहीं, हमारे हम ही बेरोजगार हैं, मेरा ही नाम नहीं है, मेरे भाई है नहीं किसी का नाम है, जो काम करते हैं उनका नाम है, नहीं करते हैं नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा जी, तो ये शौचालय कितने लगभग शौचालय हैं आपके गांव में? अब क्लियरिटी तो पता नहीं है, जो भी शौचालय है धन भी उन लोगों को दे दिया गया है और लेकिन आपने दूसरा किस्त सर अभी जब तक शौचालय नहीं कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें दूसरा किस्त नहीं। एक ऐसी महिला जिनको अभी शौचालय बनाया नहीं और आपने 10,000 का पेमेंट जारी कर दिया। तो शौचालय सर उनका बना नहीं है, शौचालय उनका सर पेंट नहीं हुआ और प्लास्टर नहीं हुआ है तक सर, शौचालय कंप्लीट नहीं हो जाता है, पूरा पैसा नहीं दिया जाता। अच्छा एक चीज और मैंने देखा कि आपके चेक द्वारा भुगतान हुआ है, आपके गाँव में ना डस्टबिन है जी ना तो स्ट्रीट लाइट है, इसके बारे में? नहीं सर स्ट्रीट लाइट तो नहीं है हमारे वहाँ, वो क्या नाम है सौर ऊर्जा लगा है, सौर ऊर्जा आप देखे भी होंगे, मौके में नहीं दिखा किसी ने? नहीं सर देखना चाहिए था, किसी ने दिखा सर? घर घर तो लगेगा नहीं जी जी, जहाँ जरूरत समझे प्रधान जी वहाँ लगवा दिए। कितना स्ट्रीट लाइट लगे? स्ट्रीट लाइट 10 लगा है, 10। अच्छा, और ये जो आप बता रहे हैं कि डस्टबिन चूंकि देख डस्टबिन सर हमारे वहाँ अभी डस्टबिन की आवश्यकता तो है लेकिन उतना धन नहीं हमारे ग्राम प्रधान के खाते में आता है, तो प्रधान जी ये सोचते हैं कि जो गांव में पहले नाली खड़ंजा जो इस तरह के काम है पहले वो हो जाए, उसके बाद डस्टबिन की तो ज़रूरत है ही, फिर डस्टबिन हो जाएगा। नहीं तो एक बार नाली पे आपको विशेष जोर देना, नाली सर बनी हुई। अच्छा तो ये आपने ग्राम पंचायत में आप सर विकास आपने क्या क्या कार्य किया हमारे दर्शकों को बताइए। मैं कार्य सर हमारे गांव में देखे होंगे जी, 2-3 नाली अच्छी अच्छी बनवा दी है जी जी, खड़ंजा जो मरम्मत लायक था मरम्मत बनाया, नए खड़ंजे का भी निर्माण कराए, सौर ऊर्जा का काम हुआ जी जी। तो आप विकास कार्य चूंकि विकास कार्य अधूरा रह गया कहीं ना कहीं विरोध के वजह से, हाँ जो लोग बोल रहे हैं कैमरे में वो लोग बताते हैं कि ये मेरा नंबर है, मैं खड़ंजा नहीं लगने दूंगा जी। वहाँ पे आप देखेंगे ईंट भी रखा हुआ जी है। जी ईंट रखा है जी। लेकिन उन्होंने हमको ये बोला कि बनवा ही नहीं रहे हैं। नहीं सर हाँ। मैं जब भी बनवाने जाता हूँ कहते हैं मेरा नंबर है, तो ईंट गिरा है, मजदूरी है, मजदूर लगाने जाते हैं तो खदेड़ देते हैं, कहते हैं आओगे तो तुम्हारा पैर काट लेंगे, मेरा बपंसी घर है। चूंकि सर आजा दादा के परपाजा से वहाँ खड़ंजा था, जब हम खड़ंजे का ईंट निकलवा दिए, मेरे पास फोटो भी है, तो उसके बाद कहें कि ये हमारे जब मिट्टी उस पर पड़ गई उसको कहें कि यहाँ पे खड़ंजा था ही नहीं। अच्छा। तो खड़ंजा तो अगर इस बार आप फिर से चुनाव के मैदान में चाचा जी उतरते और जीतते हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या विकास गांव में विकास करेंगे सर? और गांव में आप देखे भी होंगे जो भी अधूरे कार्य हैं पूर्ण होंगे और विकास हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि काम मेरे गाँव में हुआ।